संत कहो, ब्राह्मण कहो, ऋषि कहो, ये सब गुरुपद को प्राप्त प्राणियों के ही उपमात्मक नाम हैं। तो जो गुरु थे वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। परमेश्वर ने आकर के वो जानकारी दी। ऐसे गुरु से भ्रमत किए हुए पवित्र हिंदू धर्म जन्मे एक पवित्र आत्मा धर्मदास जी लोक वेद के आधार से साधनाएं कर रहा था। उस पुण्यात्मा को परमात्मा आकर मिले, सतलोक से चलकर आए और एक जिंदा महात्मा, एक जिंदे साधु का रूप बनाया। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, मुसलमान फकीर माने जाते हैं, जो एक काला सा ओवर कोट पहनते हैं, एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, और सिर पर एक काला ही टोप होता है ऊंचे से चोटे का, नो गोल गोल सा। उस जिंदे के बेस में परमात्मा आकर के धर्मदास जी को मिले। जैसा कि आपको सत्संग में सुबह सुनाया गया था, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। धर्मदास जी परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती की कि हे प्रभु, आप मुझे वो यथार्थ ज्ञान सुनाइए। हमने जो ज्ञान सुना है वो आपके ज्ञान से भिन्न है, और आप जो ज्ञान सुना रहे हो ये वेदों और कतेबों यानी पुराणों आदि में उपलब्ध नहीं है। तो क्या ये वेद और ये पुराण कतेब किताब पुस्तक होली बुक क्या ये झूठे हैं? बस परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये पुराण और ये वेद और श्रीमद् भगवद गीता ये झूठे नहीं हैं, इनको जो समझ नहीं सका वो झूठे हैं। किस प्रकार? जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ज्योति निरंजन काल इनका पिता है। तो धर्मदास जी इस स्थिति में नहीं थे उस समय कि वो ये कह दें कि आप गलत कह रहे हो, क्योंकि उसको एक झटका लग चुका था। वो ज्यादा ही वाद विवाद कर रहा था तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए थे। सारी रात बिलखता रहा, तड़पता रहा कि प्रभु एक बार दर्शन दे दो, मैं फिर विवाद करूं को नहीं। परमेश्वर दयालु हैं, वो तो उद्देश्य इससे ही आए थे कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले मेरे बच्चे, इनको यहाँ भी सुख दूंगा। पुण्यात्माओं, सतयुग में ये प्राणी इस काल के लोक में बहुत सुख महसूस करता है। लाखों वर्ष की आयु, स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है और लाखों वर्ष की आयु होती है, और बाग बगीचे फल खूब फलदार होते हैं। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती है, और बहुत शुद्ध वातावरण होता है। तो उस सुख को पुण्यों के आधार से काल भगवान ने दे रखा था। अब त्रेता युग में कुछ पुण्य कम हुए, इन प्राणियों के कष्ट बढ़ने लगे। द्वापर में और कम हो गए, और ज़्यादा थोड़ी सी तकलीफ इनको होने लगी। अब कलयुग में वो पुण्यात्माएं जो बार बार जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, अब कलयुग में उनके पुण्य बिल्कुल अक्षीण हो चुके हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रसन्न हो गए आप पर, क्योंकि आपके लिए इस अनमोल ज्ञान को आप तक पहुंचवा दिया।
ये काल के दूत और ये काल भगवान कभी भी इस ज्ञान को आप तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि इन काल के दूतों ऋषि महर्षि नकली गुरुओं मंडलेश्वरों को उसने इसीलिए भेज रखा है कि जनता को सच्चाई का पता नहीं लगने देना, ये बोली आत्मा मानो को, और जिस कारण से वो काल प्रेरित होकर के इस सत्य का घोर विरोध करते और करवाते रहे हैं। लेकिन अब परमात्मा की कृपा हुई है कि समाज को शिक्षित किया जाता न पहले, नहीं तो ये पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा यहाँ आए रहे और यही ज्ञान बताया करते थे, जो लिपिबद्ध करवाया गया था, जो आज दास आपको पढ़ पढ़ कर सुना रहा उस मालिक की महिमा को। तो उस समय इन नकली गुरुओं ने इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया और कबीर जी का एक घोर विरोध करवाया। आम जनता नफरत करने लगी कबीर परमात्मा से, लेकिन परमेश्वर ने अपना जो कार्य करना था वो कर दिया था, ताकि वो लीला इसलिए की थी कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो ज्ञान बोलिया और लिखवाया था आज वो हमारे सदग्रंथों में है। इससे हमें पहचान होगी कि वो परमात्मा थे, अक्सर ज्ञान ना होते हुए भी सदग्रंथों के गुण रहस्य उन्हें अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिए। तो वो परमात्मा आपको चाहता है कि अब भी सुख दूंगा, आप देख लेना ये ज्ञान पूरा विश्व में जाएगा, और जो हाहाकार मची हुई है अब किसी ने देख ले, दो नंबर के काम करते समय कति आगा पीछा नहीं देखता, मानो मिलावट करने की दाव लगता है मिलावट कर लेता है, चोरी का दाव लगता है चोरी कर लेता है, रिश्वत का दाव लगता है रिश्वत ले लेता है। एक माया ही आधार बन गई है, किसी अक्षेत्र में देख लो रक्षक भक्षक हो चुके हैं। ये स्थिति थी जो वर्तमान में अब मानव की हो चुकी है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज आ गई है। इज्जत रही नहीं, बड़े छोटे की शर्म रही नहीं, और माया के लिए आप देखते हो इतनी इतनी घटनाएं सुनते हैं, जब मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों को भी और जजों को भी ये कहा जा रहा है कि इनमें भी कुछ व्यक्ति घने भ्रष्ट हो चुके हैं, फिर आम जीव कैसे जीवेगा, उसको क्या आधार रह गया फिर जीने का। तो पुण्यात्मा इस काल भगवान का तरीका है दूसरा, ऐसे दुष्ट लोगों को सेट करने का। इस काल का तरीका है जैसे परशुराम जी को भेज दिया, उसमें यही स्थिति आ गई थी जो वर्तमान में इन राजनेताओं की आ चुकी है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि वो सब दुष्ट हो गए थे अक्षत्री लोग, विष्णु लोक से एक पुण्यात्मा भेजी गए थे, और परशुराम जी ने सभी अक्षत्रियों को उनको काटा था, फरसे से मूछ दिया था कति काट दिया था, और पूरी पृथ्वी पर कोई उन्नकम्मी आत्मा छोड़ी नहीं थी। इस तरह सेटिंग करता है युकाल, और कबीर परमात्मा कैसे सेटिंग करता है ये समाधान नहीं है जो वो किया गया था उसे, ठीक है कुछ दिनों के लिए कुछ डर भय बन जाता है लेकिन अंतःकरण में जगह बनी नहीं। परमात्मा कबीर जी का जो तरीका है वो ज्ञान के आधार से मानव को सच्चाई से परिचित करा करके, अध्यात्म ज्ञान से परिचित करा के इसका उत्थान करता है। बुरे से बुरा डाकू से डाकू व्यक्ति भी इस ज्ञान को समझकर तुरंत बुराई त्याग देता है। तो एक बार अब फिर विश्व में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में लिख रखा है कि धर्मदास एक समय आएगा कलयुग में पूरे विश्व में मेरी ही पूजा होया करेगी, जो भक्ति करेगा वो तो करेगा मेरी ही, ना करेगा वो अलग बात होगी, और परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं का किसी भी धर्म मजहब में कमी नहीं है, लेकिन उनको रास्ता ठीक ना मिलने से
वो अपने अपने उस लोक वेद अक्षेत्रीय ज्ञान के आधार से फिर भी वो कोई ना कोई प्रयत्न परमात्मा के लिए कर ही रहे हैं। तो अब एक बार फिर पुनः ऐसी स्थिति आवेगी जैसे सतयुग में थी। इन कुछ पंथ ऐसे हैं जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, इन ने तो बैठाए बैठा दिया निरंकारी पंथ, और ये दूसरे जो हैं बाल योगेश्वर अंसादेश वाले पंथ, इन्होंने ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसा लोक वेद बनवा दिया इन काल के दूतों के माध्यम से, ना तो ये ज्योति लगाने देते घी की, कहते हमने ज्योत नहीं लगानी, हमने तो अंदर ज्योत पालनी है, अंदर ज्योत देखनी है, अंदर ज्योत वो काल है, उसका के देखोगे अंदर की ज्योत का, उसने अर्जुन ने देखी थी वह ज्योत, वो ज्योति निरंजन अर्जुन ने देखा था जब उसने विराट रूप धारण कर दिया, कलेजा पाट गया होता सारा काप खड़ा खड़ा, और तुम थरती दिखा दिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। धार्मिकता इन पंथों ने नष्ट कर दी, ये कहते हैं ना धर्म करना, ना दान करना, ना कोई ज्योत लानी, ना कोई अवन पाठ करना, बस के करना समाधि लाना ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम, और ये पांच नाम जाप करना, निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरख, ये बकवाद गढ़ रखी सारी, ये यूजलेस नाम है, इनका कोई मंत्र कहीं अस्तित्व नहीं है, वो परमात्मा के पाने के मंत्र भी ठीक नहीं इनके। पहले हम विशेषकर हिंदू समाज में प्रत्येक के घर में ज्योत जला करती घी की, अब ये करोड़ों की संख्या में राधा स्वामी धन धन सतगुरु पंथ वाले हैं, और कोई भी ज्योत तक नहीं लाता, बंद करवा दी, काल न तक कर्म फुड़वाने हैं इनके सबके। गीता जी अध्याय नंबर 3 में श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि सभी प्राणियों की 14-15 में अध्याय नंबर 3 के 14-15 में किया कि सभी प्राणियों का शरीर अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र अनुकूल साधना से होते हैं, और यहाँ शास्त्र अनुकूल कर्मों से यथार्थ यानी सही यज्ञ उससे होती है, और यज्ञ उत्पन्न हुए काल से ब्रह्म से, क्योंकि ब्रह्म काल के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े और कर्म का ही फल मिल रहा है, यहाँ पर सतलोक के अंदर कर्म नहीं थे, वह निष्कर्मे जो है मुक्ति हमें प्राप्त थी, बिना काम किए मिल रहा था, लेकिन वो सुख हमसे उठा नहीं, और हम यहाँ काल के जाल में आकर अब डलेड हो रहे हैं, सारा जीवन बीत जाता है इस व्यक्ति का पेट के लिए, कठिन से कठिन प्रयत्न करता है, दिन रात नहीं पड़ता, दिन में धंधा करता है, रात में उसी की चिंतन करता रहता है, और वो भी पूरा नहीं होता है। तो परमात्मा काल के यहाँ आए तो कर्म लगे, ब्रह्म ने कर्म लगाए, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से, उस सर्वगतम ब्रह्म से, सर्वव्यापक ब्रह्म से, सबका कुल मालिक से, और वही ब्रह्म, वही परम अक्षर ब्रह्म सभी धार्मिक अनुष्ठानों में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है, उसी को इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि वही पांचों यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। ये पांचों यज्ञ अब यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में है, इस पृथ्वी पर और है नहीं कहीं पर भी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। तो इन पांचों यज्ञों को करते हुए, जैसे हवन यज्ञ एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ भंडारा चलता है दिन और रात, कभी भी पुण्यात्मा देर सवेर कभी आ जाते हैं, उनको हर समय आहार उपलब्ध होगा, भोजन तैयार मिलेगा, ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान, यहाँ आने वाले पुण्यात्मा को परमात्मा का ही चिंतन ध्यान रहेगा, सत्संग सुनेगा तो भगवान का चर्चा, बैठ कर बतलाएंगे आपस में भगत जन अपनी अपनी उपलब्धि और ज्ञान सुनाएंगे, तो भी चिंतन भगवान का, ध्यान भगवान का, मेडिटेशन भगवान का,
हमने ध्यान को मेडिटेशन मान लिया। मेडिटेशन मीन्स हठ योग।